बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको BTET कहते हैं, उसको लेके कल विभाग में एक निर्णय हुआ, जिसके संबंध में आज जिस प्रकार से उसकी रिपोर्टिंग हुई है उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। सही स्थिति यही है कि राज्य सरकार ने कोई राज्य स्तर से कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा को बंद नहीं किया है और न ही उस पर रोक लगाई है। अभी सब लोग जानते हैं कि छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो रही है और सातवें चरण की भी नियुक्ति हेतु दबाव जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है और जो सरकार और विभाग के समझ से भी वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे रिक्तियां बहुत कई वर्षों से खाली पड़ी हैं और हमारे योग्य अभ्यर्थी जो चाहे CTET हो या BTET हो क्वालिफाई करके कई वर्षों से इंतज़ार में है, तो हम लोग अभी प्राथमिकता के आधार पर छठे चरण की नियुक्ति पूरी करके सातवें चरण की नियुक्ति तत्काल प्रारंभ करना चाहते हैं, उसका शेड्यूल जारी करना चाहते हैं। इसी बीच ये निर्णय हुआ कि अगर इस बीच में हम लोग फिर राज्य स्तर से कोई पात्रता परीक्षा आयोजित करते हैं इस बीच में, तो फिर उसके परीक्षा आयोजित करने से लेके उसके नतीजे घोषित होने तक फिर ये नियुक्तियां विलंबित हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और चूंकि योग्य छात्र या योग्य अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, इनकी संख्या जो उपलब्ध रिक्तियां हैं उसके कई गुना अभी वो लोग उपलब्ध हैं, इसलिए हमारे पास योग्य अभ्यर्थी भी उपलब्ध हैं और रिक्तियां भी कई वर्षों से पड़ी हुई हैं, इसलिए हम लोग तत्काल प्राथमिकता से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहते हैं। और इस बीच में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर अभी पात्रता परीक्षा आयोजित करते हैं तो पहले से तो जो 13-17 में हुआ है, 11-13-17 में, तो उसके तो जो क्वालिफाइड लोग हैं जो उसमें उत्तीर्ण छात्र हैं अभी वो लोग भी पूरा सामंजित नहीं हुए हैं, फिर और भी दूसरे जगह से जो पात्र बने हैं हकदार हैं उनकी भी संख्या है, तो और सभी बिहार के ही छात्र हैं, तो ये नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोग पूरी कर लेते हैं, फिर जितनी उपलब्ध रिक्तियां बचेगी उनकी समीक्षा करके हम लोग जरूर फिर से बिहार पात्रता परीक्षा आयोजित करेंगे। कोई न परीक्षा बंद करने का न रद्द करने का किसी तरह का निर्णय सरकार ने या विभाग ने नहीं लिया है। हमको लगता है कि जो कल पत्र निकला है शायद उसके आशय को समझने में कुछ त्रुटि हुई होगी, इस कारण इस तरह का समाचार। कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।